वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप शेयर के बारे में। तो भाई, फ्यूचर ग्रुप का शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में नीचे बना हुआ है, और उसके पीछे का मुख्य कारण है क्योंकि कंपनी जो है NCLT में जा चुकी है, और ये कंपनी के लिए कुछ भी तरीके से गुड न्यूज़ नहीं है, और आने वाले टाइम पर उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है जिन लोगों ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी अपडेट को जान लेते हैं, और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप किसी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ को मिस ना करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि NCLT ने जो एडमिट कर लिया है बैंक ऑफ इंडिया को, जो इंसॉल्वेंसी का पिटीशन फाइल किया गया है फ्यूचर रिटेल के अगेंस्ट में, और इसका जो पिटीशन का जो सेक्शन है गाइस वो 7 है IBC के तहत उसको एडमिट किया गया है, जो कि विद इन 14 डेज के अंदर जो इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है गाइस आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो मुंबई की बेंच है NCLT, उन्होंने वेडनेसडे को जो एडमिट की थी बैंक ऑफ इंडिया की पिटीशन को, और यहाँ पे इनकी प्रोसीडिंग जो अगेंस्ट हो चुकी है फ्यूचर रिटेल को, उन्होंने जो कई तरीके के अपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन भी जो है डिस्कस किए हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, NCLT में जाने से पहले जो है फ्यूचर रिटेल के ऊपर टोटली 15,000 अप्रोच तक जो है गाइस डेप्ट है, जिसमें से कि इनके काफ़ी ज़्यादा स्टोर जो है ऑलरेडी रिलायंस एक्वायर कर चुका है, और यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि कंपनी की जो डील होने वाली थी वो भी जो रिलायंस के साथ में कैंसिल हो गई। तो कंपनी जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा घाटे में चल रही है, और ये जो है उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा समस्या क्रिएट कर सकता है जिन लोगों ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, और आप ही देख रहे हैं लोअर सर्किट भी कंपनी में जो है अब लगना स्टार्ट हो चुका है। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ, अगर आप उन लोगों में से जिनके स्टॉक रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज रहती हैं और आपने अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, आपको पता नहीं है कि आपको स्टॉक से कैसे बाहर आना है, तो गाइस आप हमारे टेलीग्राम चैनल sharebazaar.com को ज्वाइन कीजिए, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलरली अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन पर आप क्लिक कर लेना ताकि आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे NCLT की जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजन अगेंस्ट करी गई है फ्यूचर रिटेल के साथ में, तो ये 20 जुलाई को जो है डिसीजन लिया गया है, और इसका जो बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोसीडिंग जो है 14 अप्रैल को जो है 24 अप्रैल को जो है गाइस इन्होंने डाला था, जिसके बाद अब जाके जो है इसकी प्रोसीडिंग को अप्रूव किया गया है, 14 दिन के अंदर इसमें आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ऑर्डर प्रोनाउंस करेगा वो मुंबई बैंक की जो NCLT कमेटी के सदस्य हैं, जो कि प्रदीप नारायण देशमुख और श्याम बाबू गौतम जी, उन्होंने ये भी कहा है कि विजय कुमार अय्यर जो है वो डोलाइट के इंटरम रिजोल्यूशन जो उन्होंने रखे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, अमेजोन की जो बड़ी कंपनी है गाइस उन पर जो है CCI के द्वारा रेड डाला गया, कंपनी जो लीगल तरीके से काम कर रही है, अगर इन कंपनियों में थोड़ा सा भी अगर सच्चाई हुआ कि इस तरीके से फ्रॉड पाया गया तो ये कंपनी के लिए काफ़ी निगेटिव भी हो सकती है। साथ ही गाइस मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर ग्रुप ने जो है के ऊपर जो है अमेजोन ने गाइस काफ़ी ज़्यादा जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने बोला कि जो कंपनी के स्टोर ट्रांसफर करे गए हैं रिलायंस को वो लीगली तरीके से गए, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने जो अपनी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत ही ये स्टोर ट्रांसफर हुए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, फ्यूचर ग्रुप की 3 कंपनियों में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट पेमेंट पाया गया है, जैसे कि फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइज, फ्यूचर कंज्यूमर। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फ्यूचर लाइफ स्टाइल का जो टोटल डिफॉल्ट पेमेंट है वो 335.08 करोड़ का है, वहीं पर फ्यूचर एंटरप्राइज का 136.13 करोड़ का है। तो गाइस जैसे कि फ्यूचर रिटेल कंपनी ऑलरेडी जो है NCLT की तरफ मूव कर चुकी है, तो अगर इसमें जो है एक बार कैसे स्टार्ट हो जाता है तो गाइस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी होने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टॉक्स में जो उन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, और फ्यूचर लाइफ स्टाइल की जो अगर अभी तक कोई भी डिफॉल्ट तय नहीं की गई है, तो अब देखना यह है कि गाइस इसमें जो है कब अपडेट आता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बस फ्यूचर ग्रुप के बारे में इतना ही डिस्कस करूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस आप वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरीके से रेगुलर